नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पनासनो, सव्वपावप्पनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। सुरेश जी बाद में आपके पास आएंगे, आप प्रश्न तैयार रखेगा। डॉक्टर कश्यप जी, मुझे पूछना भी था, कब पूछेंगे आप? डॉक्टर कश्यप जी, कश्यप जी को ले लो, उसके बाद मुझे। हाँ हाँ ओके भाई। अब ये मुझे वो पोस्टर का पूछना है, में लिखा है पसंद नापसंद यदि एक्सेस हो जाए तो वे राग द्वेष में परिणमित होते हैं, तो आगे और भी है, और यदि सहज ही रहे तो कुछ बाधक नहीं होता है, तो इसमें दादाजी और आगे भी बताते हैं, वो आसमानी दो से है, लेकिन कोई कहे कि यहाँ से उठकर यहाँ बैठिए तो हम वैसा ही करेंगे, हमें भी पसंद नापसंद रहता है, तो लेकिन फिर आगे जाके दादाजी बोल, दादा को तो कुछ पसंद ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा ये मुझे समझ नहीं आया, इसलिए थोड़ा समझ। बिहारी यस, पसंद ना पसंद यदि एक्सेस हो जाए तो वे राग द्वेष में परिणमित होते हैं, वो पसंद ना पसंद यानी के लाइक डिसलाइक, हाँ जी, वो सभी को होता है, हाँ जी, लेकिन उसमें एक्सेस हो जावे, उसका आग्रह हो जावे, हाँ जी, तो वहां राग या द्वेष शुरू हो जाता है। तो दादा तो भगवान खुद बताते थे अपने बारे में, महात्मा को राग द्वेष नहीं होते हैं। हाँ, महात्मा को राग द्वेष नहीं होते, लाइक डिसलाइक होता है। हाँ, लाइक डिसलाइक वो राग द्वेष नहीं है, लेकिन लाइक डिसलाइक में उसका आग्रह आता है, तो महात्मा को तो राग द्वेष हो सकता है, फिर राग द्वेष हो जाता है। महात्मा को राग द्वेष हो सकता है? हाँ हाँ, अगर आज्ञा में नहीं है तो हो सकता है। अच्छा, आज्ञा दृष्टि के साथ है तो राग द्वेष नहीं है, अगर आज्ञा दृष्टि नहीं है तो राग द्वेष हो सकते हैं। लेकिन वैसे बोलते हैं कि
बोला था कि राग द्वेष नहीं होते महात्मा को, जो पसंद नापसंद होते। वो महात्मा को राग द्वेष नहीं होता है, वो आज्ञा दृष्टि में है, आज्ञा में रहते हैं, उनके लिए है। लेकिन जो जागृत नहीं है, आज्ञा दृष्टि के साथ नहीं है, तो वहां सब कुछ हो सकता है। अच्छा। महात्मा को अभी लाइक डिसलाइक हो सकता है हर एक को, कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, वो होता है। ज्ञानी बोलते हैं कि हमें भी ऐसा होता है। मान लो कि कहीं पर हमको ले जाते हैं, तो जहाँ गादी बिछाई हुई है तो हम वहां ही बैठेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। लेकिन कहे कि आप गादी पे नहीं, नीचे बैठ जाओ, तो हम तुरंत ही नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन हमें खुद को बैठना है, खुद की पसंद ना पसंद है, तो हम चेयर पे बैठेंगे। दादा भगवान ऐसा बोलते हैं। एक वैसे ऊपर बोलते हैं कि हमको पसंद ना पसंद रहता है, फिर नीचे लिखा हुआ है कि हमको कुछ नहीं होता है पसंद ना पसंद जैसा। हाँ, पूरा पढ़ना चाहिए, जो मैं पढ़ता हूँ पूरा। हाँ जी। पसंद ना पसंद यदि एक्सेस हो जाए तो वे राग द्वेष में परिणमित होते हैं, और वे यदि सहज ही रहे तो कुछ बाधक नहीं होता, क्योंकि पसंद ना पसंद वह नो कर्म है, हल्के कर्म है, गाढ़ नहीं, उनके उनसे किसी को नुकसान नहीं होता है। वे ज्ञानी पुरुष भी यदि यहाँ पर गद्दी हो और पास में चटाई हो तो वे गद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि विवेक है और वह सभी को मान्य है। लेकिन कोई कहे कि यहां से उठकर वहां बैठिए, तो हम वैसा भी करेंगे। हमें भी पसंद ना पसंद रहता है। आप हमें यहाँ से उठाकर तो वहां लाइक करके बैठ जाएंगे। हमें लाइक डिसलाइक का थोड़ा बहुत पूर्व पर्याय है, बाकी आत्मा को ऐसा नहीं होता पसंद ना पसंद। वह चेतना का जिसमें पसंद ना पसंद लगे, वे सभी सब्जी भाजी है। कश्यप जी, हाँ जी, वो जो फर्क बताते दोनों में कि ज्ञानी पुरुष को लाइक डिसलाइक होता है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष का जो देह है वो भी नो कर्म, उसका जो नो कर्म है तो नो कर्म में बहुत ही हल्के कर्म होते हैं, नया चार्ज नहीं होता है। तो लाइक डिसलाइक को भी नो कर्म कहते हैं। अच्छा, ये लिखा है दादा को कुछ, दादा मतलब कि आत्मा के, दादा मतलब भीतर में जो प्रकट हुए वो दादा। अच्छा, उनको पसंद। और ज्ञानी पुरुष बोलते हैं तो ए एम पटेल, देह देहदारी, संजय डॉक्टर। हाँ जी, हाँ जी कश्यप जी, जब ज्ञानी पुरुष बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि हमें पसंद ना पसंद होता है ज्ञानी पुरुष को। क्यों के लाइक डिसलाइक तो सभी को रहेगा ही। हाँ। जो जो देहदारी है वो, लेकिन और पर्याय है। दादा भगवान बोलते हैं तो वो चेतनता की बात है, पूर्ण आत्मा की पर्याय बात है। मतलब वहां पर कोई लाइक
पर्याय मतलब परमाणु, मुझे देखने दो कहाँ लिखा है वो पर्याय। हाँ ये बीच में लिखा है हमें, दीपक थोड़ा बड़ा कीजिए। अरे यही बड़ा है, एक मिनट मैं हाईलाइट करता हूँ। हाँ हमें लाइक डिस्ट्रक का थोड़ा बहुत पर्याय है। हाँ तो भीतर में वो परमाणु पड़े हुए हैं लाइक डिसलाइक के। अच्छा परमाणु, लेकिन वो ऐसे है लोक कर्म में हो जाता है वो लाइक डिसलाइक। हाँ। तो लोक कर्म है वो सिर्फ डिस्चार्ज है। हाँ। और नया कर्म बनता नहीं है वहां पर। हाँ। भीतर में पर्याय पड़े हुए थे इसलिए लाइक डिसलाइक रहता है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, बराबर ना। हाँ समझ गया, ठीक है धन्यवाद। इस तरह है। जय सच्चिद, जय सच्चिदानंद। ओके जय सच्चिदानंद। सूरज जी आ गए, और किसी को प्रश्न है तो बताएं। ओके तृप्ता बहन, डॉक्टर पार्टी आपको है। ओके तृप्ता बहन बताएं, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आती। हाँ जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। अच्छा हाँ बोलिए बोलिए। ये आया था डेली कैलेंडर में, दो तीन है मेरे पास। एक है सत्ता प्राप्त होने के बाद, आवाज क्लियर नहीं सुनाई देती। सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वो मूर्ख कहलाता है। सत्ता क्या होता है? बिहारियन जी सुना, वो क्लियर सुनाई नहीं देता है। सत्ता सत्ता क्या बताया? क्या सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख होता है। सुनाई दिया, क्लियर नहीं आती है। जो सत्ता, जरा जोर से नजदीक आके बोलिए ना। नहीं आपको नहीं सुनाई देता है, हमें तो सुनाई देता है। नहीं अब बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आती है। अच्छा, सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वो मूर्ख कहलाता है। बराबर, क्योंकि कुदरती रूप से जो भी आपको सत्ता प्राप्त होती है, व्यवहार सत्ता है या भीतर की सत्ता है, कोई भी सत्ता आपको प्राप्त होती है मतलब कुदरत की देन है। और कुदरत की देन है, कुदरत की मेहरबानी है, और वो सत्ता को आप किसी के प्रति उपयोग करते हैं मतलब के दुरुपयोग करते हैं, उस रेफरेंस में बोला गया है कि जो सत्ता का उपयोग करता है वो मूर्ख कहलाता है। अगर सत्ता का सदुपयोग है, सत्ता क्या है? सत्ता तो मान लो कि कोई कलेक्टर बन गया, कोई प्रधान बन गया, ओके, तो वो सत्ता प्राप्त हुई। व्यवहार सत्ता बोलते हैं ना, व्यवहार में सत्ता। हाँ तो वो सत्ता का उपयोग मतलब, कोई बड़ी पोजीशन मिल जाती है जब भी। हाँ पोजीशन, व्यवहार में जो भी पोजीशन उसको मिलती है तो उसका उपयोग मतलब के वो दुरुपयोग करता है, उसी को मूर्ख कहते हैं। और सत्ता का सदुपयोग करते हैं, लोगों के हित में करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है, कुदरत खुश होती है। सत्ता प्राप्त होने के बाद जो सत्ता चलाता है वह मूर्ख कहलाता है, ये इस रेफरेंस में है।
कि जो सत्ता चलाते हैं मतलब किसी के नुकसान होए इस तरह की सत्ता का उपयोग करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो वह आदमी मूर्ख कहलाता है। और वही सत्ता का वो सदुपयोग करता है, लोगों के हित में उपयोग करता है, तो वो परोपकारी कहलाता है। अच्छा, बराबर समझ गए। हाँ जी, एक दूसरा है दीपकानंद जी, एक है भगवान क्रिया को देखते ही नहीं, लेकिन क्रिया के समय ध्यान कहाँ बरत रहा है वह देखते हैं। ध्यान मतलब बराबर, क्रिया मतलब काम कुछ कर रहे हैं, मतलब के हाँ, अले जो आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो काम करते समय आपका ध्यान कहाँ है, आपका अटेंशन कहाँ है? क्रिया में नहीं, लेकिन क्रिया करते समय भीतर आपका ध्यान कहाँ है, कुदरत वो देखती है। और जगत के लोग क्रिया देखते हैं, समझे? हाँ जी, अच्छा, मेरे को ये बात समझ में आई, क्योंकि जैसे ऐसे उदाहरण की तरह जब हम जैसे विधि कर रहे हैं तो ध्यान इधर उधर जाता है, जैसे नौ कलम बोल रहे हैं, विधि कर रहे हैं, विधि करते हैं, वो क्रिया हो रही है, पर ध्यान इधर उधर जाता है, तो वो क्रिया हो गई। लेकिन क्रिया करते समय अभी हमने ज्ञान लिया है, ज्ञान आत्म तत्व दृष्टि प्राप्त हुई है, तो जो भी क्रिया तृप्ता बहन कर रही है और शुद्धात्मा भाव में रहकर वो क्रिया को आप जानने वाले और देखने वाले होते हैं, हाँ जी, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। भाव भाव आपका क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और ये तृप्ता नव कलमे कर रही है, विधि कर रही है, तो बाह्य क्रिया सबको दिखाई देगी, लेकिन वो क्रिया करते समय आपका उपयोग कहाँ है कुदरत वो देखती है। उपयोग का क्या समझे? मतलब उपयोग का क्या मतलब? हाँ, उस वक्त आपका ध्यान कहाँ है? अच्छा, आपका चित्त कहाँ है उस टाइम पर? अच्छा, आप नौकर में बोलते हैं, हाँ, लेकिन सामने टीवी भी चालू रखा है, तो बोलते हैं नौकर में, लेकिन आपका चित्त कहाँ है? टीवी में है। हाँ, तो आपकी क्रिया नहीं देखती, लेकिन आपका चित्त कहाँ है, आपका उपयोग कहाँ है वो देखती है। हाँ जी, अच्छा, तृप्ता बहन बात समझ में आई? हाँ समझ में आई, हाँ राइट राइट, हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, कोई लोग बोलता है कि हम ट्रेडमिल पे चल रहे हैं तभी भी हम वो सब नौ कलम सब बोल लेते हैं, या वॉक पे जा रहे हैं साथ साथ में बोलते हैं, तो उसमें तो फिर ध्यान तो पूरा नहीं रहता ना। लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीट ध्यान नहीं रहता है, लेकिन उसको ये चलते समय विधि का टाइम मिलता है, बाद में टाइम मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो चलते चलते कर लेता है, वह 100% उपयोग नहीं रहेगा। हाँ जी, लेकिन जितना भी रहा तो विधि तो हो गई। अच्छा, तो वो लाभालाभ देखता है। अच्छा, बैठकर मैं नहीं कर सकता हूँ, एक घंटा नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन एक घंटा वॉकिंग करता हूँ मैं, तो वॉकिंग के टाइम पे वो ले लेता है, तो विधि हो जाती है। अभी उपयोग कितना रहा कितना नहीं वो अलग बात है, लेकिन विधि तो हो गई ना, कुछ नहीं करते तो ये विधि हो गई। और कुदरत जो है वो आप उस समय कुछ तो किया पर, ना, हाँ कुछ तो किया ना, लेकिन एग्जैक्ट फल कब मिलेगा कि आप जो क्रिया कर रहे हो वो क्रिया में ही आपका उपयोग हो, आपका चित्त उसमें ही हो, तो आपका एग्जैक्ट उसका फल मिलेगा। अच्छा,
बराबर रिक्ता बेन? हाँ जी समझ गई। एक और पूछ सकती हूँ दीपकानंद जी? हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा, इस संसार में जो कोई भी सुख है वह थकान के फल स्वरूप है। तात्विक सुख, सनातन सुख आने के बाद कभी भी जाता नहीं है। हाँ, तो अभी आपको जो सुख लगता है, मान लो कि आप 11-12 बजे बाहर घूम कर आती हो, हाँ जी, एक दो घंटा घूम के आती हो, खरीद के आती हो और फिर घर आके बैठती हो, तो इसी में आपको बहुत ही सुख लगता है। अच्छा। तो ये जो सुख है आपका, वो एक घंटा घूम कर आई और थकान, वो उसका है आनंद। अच्छा, तो दादा भगवान क्या कहते हैं कि अभी जो आपको सुख है वो थकान का है। किसी को ये गर्मी के दिन है, किसी को बैठने की जगह नहीं मिलती है, घूमता रहता है, लेकिन 2 घंटे के बाद उसको एक पेड़ के नीचे मिलती है जगह, तो उसको बहुत ही आनंद होगा, बहुत ही सुख लगेगा, क्योंकि वो थकान की वजह से सुख लगता है। हकीकत में वहां सुख है नहीं। अच्छा, हाँ फिर से दोहरा, वो आपका जो वाक्य है ना। हाँ जी, और दूसरा है तात्विक सुख, सनातन सुख आने के बाद कभी भी जाता नहीं। हाँ, तो तात्विक सुख यानी क्या, मैं शुद्धात्मा हूँ वो आपको भान हुआ है। हाँ जी, तो वो सुख की शुरुआत हो गई है। हाँ जी, और आप आत्मा में रहते हो, 5 आज्ञा में रहते हो, तो वो आपका तात्विक सुख शुरू हो जाता है। हाँ जी, समझे तृप्ता बेन? हाँ जी समझे, कि वो जो असली सनातन सुख है वो आने के बाद कभी जाता नहीं है। कभी जाता नहीं है, जो शुद्धात्मा पद का अनुभव हुआ है। हाँ, अभी तो हमको भान हुआ है, लेकिन हाँ जितना जितना उसका अनुभव होता जाएगा, हाँ, फिर वो सुख जाएगा नहीं, वो सनातन सुख बोलते हैं, वो कभी आने के बाद जाता नहीं है, जाता नहीं है। हाँ, और बाहर का और कोई जो सुख लगता है वो थकान की वजह से लगता है। बराबर? हाँ जी समझ गए। रिता बेन? हाँ जी समझ गए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुरेश जी। जय सच्चिदानंद बिहारीनंद जी। जय सच्चि दीपकानंद जी, वीडियो चालू करो ना, नहीं आओ तू? आपकी आवाज कटती थी इसीलिए किया था, फिर से कोशिश करते हैं हम, एक मिनट। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मन में अभी प्रश्न आया था, आई और माई में, आई को हम समझते हैं आत्मा का रूप है, और ये माई का ही सब लफड़ा चलता है कभी कभी मन में, कि ये माई क्या है, कहाँ से आया और क्या कर रहा है, माने माई के व्यवहार, कर्म के कर्ता भाव कौन से हैं, कर्म की व्याख्या क्या है, कर्ता भाव की व्याख्या क्या है, ये सब कुछ है ना, माई का समझ में नहीं आता सब। अच्छा, माई एक एक डिस्चार्ज एक एक करके प्रश्न पूछो। खरेगी माई, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, ये माई का जो जन्म हुआ है, मैंने क्या बोलते, कुदरती रचना माई की है, तो वो कुदरती रचना के हिसाब से माई चलेगा ना साहब? अरे कुदरती रचना है और इसमें आई फंसा हुआ है, आई साथ में फंसा हुआ है, ये आई साथ में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और तो अभी हम वो कुदरती रचना को चेंज कर सकते क्या? कुदरती रचना को चेंज कर सकते? चेंज करने का है ही नहीं, चेंज नहीं करने का। कुदरती रचना के अनुसार ये जो माय वाला पार्ट चलता है, तो आई को सिर्फ देखना है और जानना है, चेंज करने का कुछ भी नहीं है,
संजय खरे जी माई का जो पार्ट है माई का पार्ट है वो पूर्व कर्म फल का संस्कार है और अभी संस्कार जो है वो निमित्त के अधीन टाइम टाइम पे वो खाली हो रहा है। वो खाली होते समय मैं शुद्धात्मा हूं वो जागृति के साथ ये कर्म खाली हो जाता है तो फिर उसका संभव से निकाल हो गया, उसको चेंज नहीं करने का, जैसा भी है उसका संभव से निकाल करने का है। खरे जी संजय खरे जी दीपक आनंद जी खरे खरे जी हाँ खरे जी बंद हो गया लगता है। बोलिए बोलिए आई आई बोलिए कटती है लेकिन आपकी आपकी फोटो अटकी हुई है लाइव नहीं है क्या बताया आपने संभावे करना हमारे हाथ में है क्या नहीं संभव हो रहा है हम करते नहीं है वो हो रहा है हमका हमको तो सिर्फ भाव रखना है कि जो भी हमारा माल है पसंद वाला या ना पसंद वाला उसको संभव से निकाल करना है वो भाव है वो हमारे हाथ में है नहीं है वो आपको इसमें पढ़ने का ही नहीं है। अच्छा अच्छा वो तो समय समय पे निमित्त के अधीन सब हो रहा है हमको तो ऐसा रखने का है उसके साथ नया गूंज न पड़े उसके साथ नया प्रॉब्लम खड़ा ना हो वो हमें भाव रखना है वही जागृति रखनी है। खरे बराबर जागृति रखने की अपने को हाँ हमारे हाथ में नहीं है भाव होना चाहिए कंप्लीट कुदरत आपका भाव देखती है। बराबर खरे जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर भाटी बहन डॉक्टर भाटी बहन जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी कोई गुजराती में क्वेश्चंस पूछे तो आप ट्रांसलेट करना हिंदी में समझ में नहीं आता। कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा भी पूछते हैं और वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग एंड द आंसर्स। बिहारी आनंद जी अभी चित्त का एकाग्रता कैसा आएगा अभी कुछ काम कर रहे तो चित्त कभी रहता कभी नहीं रहता अभी कुछ मेडिटेशन में बैठे खाना जब नहीं कुछ नहीं कर रहे तो चित्त किधर भी नहीं जाता मोस्टली अभी कुछ खाना खा रहे नहीं तो अपन मेडिटेशन के लिए बैठे या प्रेयर के लिए वो चित्त एकाग्र कैसा होता है इधर उधर जाते ही रहता बहुत डिफरेंट थॉट्स आते रहते हैं अनरिलेटेड उसके लिए क्या करने का है? रहते हैं वो तो आते ही रहेंगे थॉट्स के कोई परवाह नहीं है थॉट्स आए अच्छा भी आए बुरा भी आए वो थॉट ही है उसका काउंटर थॉट आता उसका कुछ आंसर ऐसा आता और एक थॉट आता उसका आने दो ना अच्छा हाँ तो वो सबको आने दो जितना भी आए जितने भी थॉट्स आए जितने भी आपको विचार आए वो विचार भ्रांति की भाषा में आ रहे हैं विचार आ रहा है हम ऐसा बोलते हैं हकीकत में जो भीतर में कचरा पड़ा हुआ था विचार रूपी वो जा रहा है आते अच्छा। हैं लेकिन जाने के लिए आते हैं
तो वो कचरा तो साफ होना चाहिए ना, तो कुदरती अच्छा। रूप से ही वो कचरा साफ हो रहा है। अच्छा। हाँ तो अभी हमको विचार को रोकना भी नहीं है, उसको बदलना भी नहीं है, उसको कुछ भी करने का नहीं है, सिर्फ देखने का है कि अच्छा। भारती बहन के भीतर कौन से विचार पड़े हैं, किसके बारे में विचार आते हैं, किस सब्जेक्ट का विचार आता है, वो सिर्फ जानने का है कि ये माल हमारे भीतर में पड़ा हुआ है। कभी किसी को खाने का विचार आता है, किसी को घूमने का विचार आता है, तो भले अलग अलग जो भी संस्कार लेके आए हैं, उस हिसाब से वो विचार खाली हो रहे हैं, समझे? विचार ये है। और जो चित्त है, चित्त है वो चेतनता वाला है, तो आपका जहां उपयोग होगा, आप मान लो कि आप ऑपरेशन कर रही हो, तो ऑपरेशन के टाइम पर चित्त बिल्कुल हाजिर रहता है, सामने से कौन पसार हो गया, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है, बिल्कुल वो आप ऑपरेशन कर रही हो वहां पर ही रहता है। तो जितना काम जोखिम वाला है, हमारा इंटरेस्ट वाला है, वहां चित अपने आप हाजिर रहे। अच्छा। जहां हमारा इंटरेस्ट है और जहां हमारा जोखिम वाला काम है, तो वहां चित अपने आप हाजिर रहता है। और अगर नॉर्मल आप बैठे हैं, बाजार में घूम रहे हैं, तो चित इधर उधर जाता है, तो वो चित को भी देखने का है, चित को भी देखने का है। वो जो चित है वो अशुद्ध चित है। अच्छा। अभी जो चित भटक रहा है वो अशुद्ध चित है, और वो खाली हो रहा है, वो संस्कार खाली हो रहा है। और जो शुद्ध चित यानी शुद्धात्मा जो है, दरअसल आत्मा, वो शुद्ध चित है। तो जितना जितना ये अशुद्ध चित शुद्ध होता जाता है, उतना उतना दोनों एक हो जाते हैं फिर। अच्छा। तो शुद्ध चित यानी शुद्धात्मा, और जो अशुद्ध चित है, ना बोलिए, आप बोलिए, हो गया बात पूछते। हाँ, तो अशुद्धि चित यानी क्या, जहां जहां हमारे इंटरेस्ट है, जो जो व्यक्ति में इंटरेस्ट है, जो जो चीज में इंटरेस्ट है, वहां वहां हमारा चित बट जाता है, टुकड़ा हो जाता है। चित क्या होता है, अनेक चित हो जाते हैं। अच्छा। अनेक चित यानी के पैसे में भी चित जाता है, खाने में भी जाता है, खरीदी करने जाते हैं तो वो शॉपिंग में भी जाता है, तो अगर कोई रिश्तेदार आने वाला है तो चित वहां जाता है, आधे घंटे के बाद ऑपरेशन करना है कोई, तो वहां चित जाता है। तो इस तरह ये चित बिखरा हुआ है, एक चित में से अनेक चित हो गए हैं। तो अभी अनेक चित्त में से जैसे जैसे आप उपयोग में रहते हैं, तो वो अशुद्ध चित्त खाली हो जाता है, तो अनेक में से धीरे 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 वो एक चित्त पे आ जाता है। अच्छा। वो हमारा पुरुषार्थ है, भारती बहन। तो अशुद्ध चित्त को देखने का है, उसको शुद्ध चित्त बनाने के लिए प्रयत्न ही करना। हाँ, देखने का है, हो जाएगा। अच्छा। और कुछ करने का नहीं है, देखना कैसे। हाँ, कभी सरप्राइज हो जाता, करने का है ही नहीं, बहुत थॉट्स आते खाने के वक्त, अनरिलेटेड।
खाना खाते वक्त अनरिलेटेड थॉट्स आते, अनरिलेटेड चित्त। एक तो एक मिनट में दस आ सकते, एक मिनट में दस इससे भी ज्यादा आ सकते हैं, जितने भाव से और जितने बाहर से, भाव और बाहर से अपने जो विचार भरे हैं उतने ही भाव और बाहर से वो बाहर आएंगे। हमको ऐसा लगता है कि ये खाने के टाइम पे क्यों आता है, तो के वही है विचार, जो विचार जो खाली हो रहा है उसको मालूम नहीं है कि आप खाने के खाने बैठे हैं। वो तो उसका उदय होता है, उसका टाइम होता है तो अपने आप बाहर आता है, और उस समय पर हम खाने बैठे होते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि मैं खाने बैठी हूँ तो अब ऐसे क्यों आता है, जब कुछ नहीं कर तो रहे अपने टाइम पे। अच्छा अच्छा, जब कुछ काम नहीं करते वैसे बैठते का साइलेंस में कभी, तो वो चित्त उधर रहता, किधर भी नहीं जाता। वो मुझे डिफरेंस पता लगा था। क्योंकि जब आप खाली बैठे हैं तो आपका उपयोग क्या है, मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें होता है। अच्छा, खाली बैठे हैं तो और कोई काम में लगे हैं तो फिर वो ऐसा हो जाता है। और ये जो विचार का आपने बताया ना, कोई ऐसा बोलता है कि मैं जब भगवान की पूजा करने बैठता हूँ तभी विचार आता है। आपने बताया कि मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ तब अनरिलेटेड विचार आता है, उसके रिलेटेड नहीं है। तो या, कुछ खाना खाने का तो आप खाना खाती हो वो, और विचार जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका टाइमिंग, अच्छा दोनों एक हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि खाने के टाइम पे ऐसा क्यों आता है। वो भी तो लगता है आप जो बोले टाइम्स। आप जो बोले कि प्रेयर के वक्त, मेडिटेशन के वक्त भी तो विचार तो निरंतर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। अच्छा, और विचार को हमें देखना है। अच्छा, और कौन से विचार आते हैं, जो विचार ज्यादा आते हैं वो हमारी फाइल है। जिसके विचार ज्यादा आते हैं हमारी, तो वो इंटरेस्ट हमारे भीतर में पड़ा हुआ है, इसलिए उनका विचार ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा, भारती तो जब अच्छा तो पैसा ज्यादा आया तो फाइल बोल के प्रतिक्रमण भी करना पड़ता। नहीं, वो देखने का कि कौन जहां जहां हमारा इंटरेस्ट, वो भी मान लो के किसी को क्रिकेट का इंटरेस्ट देखने का, किसी को सिनेमा देखने का इंटरेस्ट है, तो कोई अच्छा सिनेमा लगेगा या क्रिकेट चल रही है तो उनको वो विचार आते हैं। अच्छा, बराबर। कोई सिनेमा का शौकीन है तो उसको सिनेमा देखने का वो विचार आएगा। अच्छा, तो okay. जिस उसका जैसा इंटरेस्ट है, जिस जिस चीज में इंटरेस्ट लिया है वो चीज का विचार उनको ज्यादा, वो हमारी फाइल है। ऐसी दो पांच फाइल होती है बड़ी, तो उसका ही विचार ज्यादा आते रहते हैं। किसी की सत्संग की फाइल है, सत्संग का चक्ता है, तो उसको सत्संग रिलेटेड विचार आते रहेंगे। घूमने का शौक है, पर्यटन का शौक है, तो उसके संबंध में आएगा। तो वो हमारी फाइल है, अभी जिसकी किसी को सर्विस का है तो रिलेटेड में किसी की सेवा है, सेवा करना है, गरीबों की सेवा, गद्दी सेवा करने का वो जो उसका भाव है, वो उस फाइल का बाकी
उसी को फाइल आपका आवाज थोड़ा कट कट ये कुछ देना आनंद जी आपका आवाज थोड़ा कट रहा लास्ट में है आपका आवाज कट रहा अभी तक तो ठीक लास्ट में तो आपका आवाज भी कटता लग तो मेरा नेट ठीक नहीं होगा नो प्रॉब्लम ओके अभी किसी को सेवा का ज्यादा है तो कोई थॉट्स आते बिहारी आनंद जी बिहारी आनंद जी दीपक आनंद जी दीपक आनंद जी सुने आ रहा आपको यस यस वन मिनट ओके आई कैन नहीं दे बिहारी आनंद जी का आवाज नहीं आया अभी इसीलिए मैं आपसे बात बिहारी आनंद जी यस हाँ आप बोलिए मुझे पूरा है नेटवर्क तो हाँ अभी हाँ आप बोलिए हाँ भारती लास्ट में है हाँ या हाँ तो जो जो हमारी फाइल है मतलब के जिस जिस हाँ. में हमारा इंटरेस्ट ज्यादा है अच्छा से चार पांच ही फाइल जैसे किसी को शिकार किता है किसी को घूमने का शौक है किसी को खाने का शौक है हाँ. तो ये बड़ी बड़ी फाती है अच्छा तो इसके विचार ज्यादा आते हैं हाँ तो समझ जाने का कि ये फाइल हमारी है अच्छा, तो फिर उसकी समाहित कर सकते हो आप कि ये सब्जेक्ट को लक्ष्य में रखकर कि ये सब्जेक्ट को मुझे देखना है ये फाइल तो ये फाइल को मुझे देखना है और उसका प्रतिक्रमण है तो इस तरह सामायिक में वो प्रयोग कर सकती हूँ अच्छा अभी किसी को सर्विस में इंटरेस्ट अभी किसी को सर्विस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आता थॉट्स आते हाँ तो उसको सर्विस का ही विचार आता है कहीं पर भी वो जाएगी तो वो सर्विस में लग जाती है अपने आप ही उसको कहना नहीं पड़ता है वो उसकी प्रकृति उनका भीतर का जो संस्कार है ना वो संस्कार ही उसको सर्विस में जोड़ देता है और कई लोगों का बोलेंगे तो भी नहीं करेंगे उसके पास टाइम है पैसे है तो भी वो नहीं लगेंगे सर्विस में क्योंकि वो उसका संस्कार नहीं है अच्छा हाँ तो जिसका जो संस्कार बड़ा पड़ा हुआ है जो संस्कार वो खुद लेकर आया हुआ है वही संस्कार बाहर आएगा अच्छा हाँ तो वो उसकी फाइल किसी को तो जुआ खेलना है पत्ता खेलना है तो बार घंटा खेल कर सकेंगे पूरी रात खेल सकते हैं लेकिन दो घंटे सत्संग में बुलाओ तो वो नहीं आएगा बैठ नहीं सकते तो नहीं वो कंटाला आता है बोलेगा और वो ताश खेलने के लिए 12 घंटा बैठेगा होता है ना ऐसा होता हाँ तो जो ताश खेलना है वो उसकी सबसे बड़ी फाइल है तो जो फाइल सबसे बड़ी है तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आता है और जिसमें इंटरेस्ट आता है वहां थकान नहीं लगती है ओके। अगर वही व्यक्ति को सत्संग में लाओ तो 2-3 घंटे में ही वो भाग जाएगा तो इसका भी सामायिक करने का है हाँ अपनी अपनी जो फाइल है जो संस्कार और सर्विस का प्रकृति है उसके लिए भी सामायिक करने का है
वो प्रकृति अच्छी है, लेकिन अभी ये ज्ञान लेने के बाद उसका भी संभव से निकाल करने का है। व्यवहार में वो बात अच्छी है, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो उसका भी संभव से निकाल करने का है। अच्छा, डिस्चार्ज कर्मा देखना। हाँ, डिस्चार्ज है। आप अभी जो सर्विस करने का मन करता है, पूरा दिन सर्विस करती रहती हो, तो वो आपका संस्कार है, इसके पीछे आपकी निष्ठा है, आपकी प्रामाणिकता है। बराबर। तो जिसका जो संस्कार है उसका संभव से निकाल करना है। ओके। जितना संस्कार भारी उतनी वो फाइल भारी, और वो याद आएगी। अच्छा। कहीं पर भी वो जाए तो वो ही याद आएगा। उसके लिए भी प्रतिक्रमण करना या देखना, डूअरशिप नहीं रहना, पहले बस देखने का है। पहले देखने का है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो फाइल नंबर एक के अंदर हो रहा है। अगर विचार आ रहा है तो वो मन में आ रहा है, मुझे नहीं आता है, मन में आता है। तो मुझे तो सिर्फ उसको देखने का है और जानने का है। तो हमारा जो उपयोग है वो उसमें रहने का है कि क्या विचार आ रहे हैं अभी और क्यों आते हैं ऐसे विचार। अच्छा। कुछ ना कुछ रिलेटेड है इसलिए वो विचार आते हैं। अच्छा। वो संस्कार भीतर में पड़े हुए हैं तभी तो वो बाहर आते हैं। हाँ। अच्छा। आपको जो विचार आते हैं शायद दूसरों को वो ना भी आए या कम भी आवे। तो जिसका जो संस्कार ज्यादा है वो उसकी फाइल है। तो जो जो फाइलें हैं, फाइल नंबर एक की जो जो भी और फाइलें हैं, उसका विचार आता रहेगा और वो खाली हो रहा है बस। उसको रोकने का नहीं है और उससे घबराने का भी नहीं है। अच्छा, समझे? हाँ, समझे। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद डॉक्टर। कौन भाग्यशाली महात्मा लाभ दे रहे हैं प्रश्न का? कश्यप जी, डॉक्टर कश्यप जी बोलिए। हाँ जी, ये वो आए आपको भेजा था, ये पर भेजा था, उसमें लिखा है कशुए जोड़े लई जवानो नथी तो घसाई छूटो, आपीने राजी थवा जेवू छे। क्या अर्थ बताइए? हाँ, ने क्या बोलता है कि कुछ भी साथ ले जाने वाला नहीं है और कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। ये रिलेटेड जो रिलेटिव है ना, पैसे है, घर है, दागीना है, हाँ, वो सब साथ में आने वाला नहीं है। हाँ जी। तो घसाई छूटो मतलब के वो लोगों के उपयोग में, वो जो पैसे है वो लोगों के उपयोग में आए ऐसा करो आप। घसाई छूटो क्या होता है? घसाई छुटो मतलब के लोगों के लिए कुछ कर जाओ। अच्छा। लोगों के लिए कुछ करो, पैसा अच्छा। का खर्च करो। अच्छा। उसको भोजन कराओ, सत्संग कराओ, पार्टी कराओ, किसी अच्छा। भी तरह से लोगों के हित में वो पैसे का उपयोग हुए। अच्छा। उसको बोलते दूसरे के लिए घसाई जाने का। अपने पास जो धन है, मन है, तन रिसोर्सेस है, वो सब जो है दूसरों के लिए, लोगों के लिए उपयोग करो, उपयोग करने का, लोगों के लिए उसको मतलब है घसा जाए।
तो इसमें इसमें कुछ और क्लियर? आप कुछ और बताएं कि इसमें कैसे, मतलब कि सामान्य भाव से करना है कि कैसे करना होता है, कैसे जो है नहीं, ये क्या है, जो भी हमारे पास लक्ष्मी है, जो भी हमारे पास सत्ता है, और जो हम दूसरे के लिए किसी भी तरह उसके हित के लिए बोलते हैं, उसके हित के लिए कोई भी कार्य करते हैं, उसकी बात भी अगर सुनते हैं, तो वो लोगों के लिए अपना मन वचन काया है वो उपयोग में ले लो, उसको किसी भी तरह उसको, समाज को, सामने वाली व्यक्ति को हेल्पफुल हो जाओ, उसके लिए गसाई छुटो, उसके लिए ऐसा बोलते हैं। आगे का पुण्य बन, आगे का जो है वो जो उस हिसाब से बनता है ना, कैरी फॉरवर्ड बनता है ऐसे दादा। नहीं, और जो घसाई छूटेगा वो कश्यप जी है, कश्यप हाँ जी का मन वचन काया लोगों के उपयोग में आ जाएंगे, जिससे मन वचन काया लोगों के उपयोग में काम करते हैं, तो आपका अहंकार घिसता है लेकिन और लोगों को इसमें आनंद देखते हैं, आपको भी आनंद आता है। हाँ ये आनंद आता है। अच्छा हाँ हाँ, आप दूसरों के लिए, मान लो कि आपकी आपकी बर्थडे है और आप लोगों को पार्टी देते हो, तो लोग जितने खुश होते हैं वो देखकर आपको भी आनंद होता है को आज मेरा जीवन सार्थक हुआ। इसमें तो बुद्धि तो बोलती है ना कि इसमें जो है दूसरे को के लिए क्यों करना कहा है, कुछ उसका जो है तो उसको उसका जो है आंसर तो करना पड़ता है ना जो। नहीं, ये जो पहला सेंटेंस है उसके रेफरेंस में, कि कुछ भी साथ ले जाने वाले नहीं हाँ है, कुछ भी साथ आने वाला नहीं है, इसलिए घसाई छूटो। तो घसाई छूटो मतलब क्या, कि लोग, कोई संस्था में दान दो, कोई संस्था में सेवा करो, बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करो, कुछ लोगों के लिए कुछ भी करो, नहीं, बुद्धि तो जो है वो वो घसाई छूटना है। प्रॉफिट लॉस के हिसाब से चलती है, तो उसमें बुद्धि तो ये हाँ, पूछती वो है कि ठीक है साथ में आने वाला नहीं है लेकिन दूसरे के लिए क्यों करने का, तो वो उसके लिए वो जो है आपने उसी कोई, एक चीज बताया था कि वो जो है आपको आनंद आता है दूसरे के लिए करने का, एक चीज आपने बताया, और कैसे जो है मतलब बुद्धि को टैकल करते हैं ये मैं पूछता हूँ। हाँ, बुद्धि को टैकल कैसे करने की है, के मान लो के हम, बुद्धि बोलती है कि भाई दूसरे के लिए हम क्यों यूज करें, हमने कमाया है, मेहनत करके किया है, तो दूसरे के लिए क्यों, तो के भाई आप कमाते हो सिर्फ अपने लिए नहीं है, उसमें समाज का भी हिस्सा है, जैसे आप कमाते हो तो आपके बीवी बच्चे माँ बाप वगैरह को भी उसका जाता है ना, कि हाँ अपने अकेले के लिए कमाते हो। हाँ, तो आप जो भी कमा रहे हैं, आपके पास जो भी पैसा है, वो फैमिली के सभ्यों के लिए है, अपने समाज के लिए भी है, पैसे पर सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन इसमें सबका हिस्सा है। तो इस तरह बुद्धि को समझाने का है कि अगर तू चली गई या मैं चला गया तो फिर क्या होगा लक्ष्मी का। बेकार जाएगा। लोग तो फिर उड़ा देंगे, तो वो अपने दूसरा हाथ से। दूसरा वो दादाजी ने शायद बताया ना कि जो है जितना आप दूसरे के लिए करेंगे उतना आपके आपके अगले जन्म में काम लगेगा, और जो आप नहीं करेंगे वो गटर में जाएगा, ऐसा ऐसा भी बताया ना। बराबर, इसलिए बोला घटाई घसाई छुटो। दादा भगवान बोलते हैं कि कैश हम नहीं ले जा सकते, लेकिन लोगों के उपयोग में खर्च करते हैं, जिसके साथ हमारा कोई नजदीक का संबंध नहीं है, फिर भी हम दूसरे के लिए खर्च करते हैं, तो वो जो पुण्य बनता है वो साथ में आता है। साथ में आते हैं।
कैश नहीं ले जा सकते, लेकिन इस तरह समाज के उपयोग में काम करके, समाज को हेल्प करके, उसको जो आनंद होता है, सुख होता है, उसकी वजह से आपको जो आशीर्वाद मिलता है, तो वो आपके साथ में आता है। समझ। कश्यप जी धन्यवाद। जय श्री नारायण। तृप्ता बहन अनम्यूट करिएगा। हाँ जी, ये एक और भी था, दुख तो किसे कहते हैं जिसका उपाय हो उन्हें, दुख। दुख तो ये दादा भगवान की अपनी खुद की दुख की डेफिनेशन है। तो के दुख किसको कहते हैं कि जिसका उपाय हो। मान लो कि आप 3 दिन से सोई नहीं हो, नींद नहीं आ रही है, तो आपको सुला दे तो वो आपका उपाय हो गया, फिर आप ओके हो जाओगी। कोई आदमी 3 दिन से भूखा है तो उसको कहीं पर भी चैन नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी उसका ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन उसको आप पेट भर के खिला दो तो वो दुख दूर हो गया। लेकिन अभी जो दुख है, तो मेरी गाड़ी से उसकी गाड़ी इतनी अच्छी क्यों, वो मेरे साथ नहीं बोलते हैं, मैं उसके साथ बोलती हूँ लेकिन वो मेरे साथ नहीं बोलते हैं, तो वो दुख नहीं है, वो अनसमझी की वजह से खड़ा किया हुआ दुख है, हकीकत में वो दुख नहीं है। दुख तो इसको कहते हैं तो जिसका उपाय है, उपाय होना चाहिए। वो नहीं बोलता है और हम बोल अंदर होता रहे कि मेरे साथ क्यों नहीं बोलते, मेरे साथ क्यों नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ फिर भी वो क्यों नहीं बोलते, तो वो खड़ा किया हुआ दुख है, हकीकत में दुख नहीं है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। कई लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जैसे कि गुजराती लोग खिचड़ी खाते हैं तो उसमें घी नहीं देते हैं, तो उसका थोड़ा असर होता है कि घी के बिना कैसे खिचड़ी खावे। सिद्धा बहन कहाँ गए? हाँ जी, तो मांग लेना चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो क्या समझता है कि उसको देना चाहिए ना, इतना भी बांध नहीं है, तो ये दुख नहीं है। घी के बिना भी खाए और घी के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। हाँ जी, ये दुख है। अच्छा, तो अपना बनाया हुआ दुख किसको कहते हैं जिसका उपाय हो। अच्छा, हाँ, अपना ना समझी की वजह से वो क्रिएट किया हुआ है, हकीकत में वो दुख है नहीं। दुख तो इसे कहते हैं कि भूख लगी है, खाना खाया तो दुख दूर हो गया, तो ये दादा भगवान ने बताया। आज जो सभी जगह पर घर घर में जो दुख है, वो हकीकत में दुख नहीं है, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट है। क्या है? डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट है, और वो जो है, हाँ, वो खड़ा किया हुआ है, दुख नहीं है उसमें, वो हमारी ना समझी की वजह से खड़ा हुआ है। तो आज हर घर घर में ये हो गया है। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन है, इसलिए दुख हो रहा है। हाँ जी, एक्सपेक्टेशन है किसी से कुछ, एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना इसके लिए करते हूँ तो वो मेरे लिए क्यों नहीं करती है। हाँ जी, मैं उसको समझ गया, हर साल बार बार उसके घर जाके मदद करती हूँ तो वो क्यों नहीं करती, तो ये खड़ा किया हुआ है नहीं, दुख नहीं है। अच्छा,
समझ गए। जय सच्चिदानंद स्वामी, जय सच्चिदानंद कटल बहन, जय सच्चिदानंद हरियाणा जी। तमे हमणा वात करी ने के अत्यारे जी कई दुख छे ए अणसमजणनुं छे, तो हवे आ जन्ममां काजल ने अणसमजणना दुख बहु ज छे, घणा बधा छे, तो हवे ए अणसमजण ने लीधे दुखी थई राखे छे, तो हवे एनो उपायमां शुं करवानुं? खबर छे के अणसमजणनुं छे, छतां ई भોગવવું તો પડે જ છે। हाँ, एटले जारे जारे अभी अणसमजण उभी थाय एने एनी सामे पांच आज्ञा मुकवानी। पांच आज्ञा थी ए अणसमजण दूर थाय, तो हूँ गई पर मने कोई बोलाई नहीं, मारी जोड़े कोई वात करी नहीं। हवे आ अंदर चाल्या करे तो कलाक सुधी एनी असर रह्या करे। हाँ, तो चलो भाई गया ने कोई वात नहीं करे। हम जाते हैं और कोई बात नहीं, वो काजल दुख होता है बराबर। हाँ, तो वो तप है। क्या है तप? हाँ, अभी वो तप के रूप में हम देखते हैं तो हमारी प्रगति होती है। अने दुख मानिए तो, जब तक दुख मानिए ते दुख ने लेने तो तप थई रही छे। हिंदी में प्लीज, तप એટલે શું? हिंदी में प्लीज। दुख का, हाँ, दुख का मतलब क्या कि वो आपको पसंद नहीं है, उसका व्यवहार पसंद नहीं है, वो बात आपको पसंद नहीं है, इसलिए आपको दुख होता है। तो जहां पर भी ऐसा दुख होता है तो वो तप के रूप में उसको देखेंगे, तप के रूप में उसको ले लेंगे तो आपकी प्रगति होगी। और हिसाब भी भुगतने का तो है ना, तो वो अभी तप तप के रूप में देखने का है। कभी क्यों काजल को क्यों बुरा लगता है, काजल को क्यों ऐसा लगता है, तो वो तप के रूप में देखेंगे तो आपकी प्रगति होगी। અને બીજો એક એવો પ્રશ્ન છે કે આપણે આપણે અત્યારે તમે સત્સંગમાં આગળ પણ વાત કરી હતી કે તમે કુદરતમાં ભાવ જોવાય છે, કે ભાવ શું છે? હિન્દી બોલ સકતી હો? બોલ સકતી હો, પણ મુજે બોરિંગ લગતા હૈ બોલના। કોઈ બાત નહીં, હા કોઈ ભી, લેકિન સબ હિન્દી વાલે હૈ ને, તો જૈસે ટૂટા ફૂટા હિન્દી હોય, કાઠિયાવાડી હિન્દી વૈસે ભી બોલો આપ તો મજા આયેગા। એટલે કુદરત મે ભાવ દેખના, કુદરત ભાવ કો દેખતી હૈ, તો જબ હમ શુદ્ધાત્મા હો ગયે તો હમ તો ફિર હમે ભાવ અભાવ સે તો હમ મુક્ત હી હો ગયે ના? બિલકુલ બિલકુલ, લેકિન યે કિસકે લિયે હૈ? કુદરત ભાવ દેખતી હૈ કિસકે લિયે હૈ? जिसको ये तत्व दृष्टि प्राप्त नहीं है, व्यवहार के लोगों के लिए है। तो वहां पर वो भाव की कीमत है। और अभी हम शुद्धात्म भाव में आए, पांच आज्ञा की दृष्टि में आए, तो भाव अभाव से भी हम मुक्त हुए, तो नहीं हो जाता है क्या हो जाता? हाँ, और जब हमको ऐसा होता है कि ना मेरा ये भाव मेरा अंदर से जो भाव है वो पूरा हो ऐसा हो जाता है, वो भी एक नए में नए के रूप में से देखना है ना, नए तरीके से जो अनुचे ना। हाँ, वो नए के रूप में देखता है, और जो भाव प्रबल होता है तो वो प्रबल भाव जो है तो उसका उदय कर्म आता है उस टाइम पर। वो नहीं, मुझे ये करने का है, मुझे ये करने का है, मेरा ये भाव पूरा होए, मेरा ये भाव पूरा होना ही चाहिए, तो वो बार बार आता है और स्ट्रॉन्ग आता है। जब उसका उदय कर्म होता है तब वो बार बार आता है, उस जाने का है कि भाई ये ऐसा अभी उदय आ रहा है, ऐसा बार बार विचार आता है, बार बार अंदर से स्ट्रॉन्ग आता है, समझने का ये भाव है।
तो जो बार बार आता है उसका मतलब मैं शुद्ध आत्मा, क्या बोले आप? जो भाव जो आता है बार बार तो वो भाव मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो जिस चीज के बारे में प्रबल भाव आ रहा है तो वो हमारा पूरा हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए? नहीं, भाव जैसा पड़ा हुआ है वो भाव खाली हो रहा है। जो पूरे निष्ठा से भरा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग भाव है, तो वो खाली हो रहा है और ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा ही होगा हम कह नहीं सकते। समझे? सभी भाव ऐसे पूरे होते हैं, जो जो संस्कार लेके आए हैं वो स्ट्रॉन्ग है तो वो सभी भाव पूरा होता ही है, और सभी भाव पूरे होंगे बाद में ही तो हम मुक्त होंगे। जब तक सब भाव पूरे नहीं होंगे तब तक मुक्ति नहीं है, और तब तक बंधन है। वो बंधन तो बंधन ही नहीं लगता ना, क्योंकि हमको तो हमारी दृष्टि तो उस भाव पर ही पड़ी है कि मैं कब ये मेरा भाव पूरा हो, कब ये मेरा भाव पूरा हो। बराबर। जय सच्चिदानंद। आता है देख। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हुआ है, त्रिमंत्र बुलाए हैं, काजल बहन फॉलो करिएगा प्लीज। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।